हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप गैंग के दुश्मन शहनवाज खान के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप गैंग का दुश्मन शहनवाज खान, जो कि केकेसी गैंग से बिलोंग करता है। शहनवाज खान जेल से आने के बाद बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। वैसे केकेसी गैंग ने दुर्लभ कश्यप की हत्या की थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर कई महीनों तक जेल में डाल के रखा था, जिसके बाद जब शहनवाज खान जेल से बाहर आया तो उसने किसी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अब भी वो सक्रिय नहीं है, क्योंकि डी कंपनी गैंग के सदस्य उनको थोड़े बहुत दिनों में धमकियां देते रहते हैं, लेकिन शहनवाज खान की तरफ से डी कंपनी के लिए कोई जवाब नहीं आता है। वैसे दुर्लभ कश्यप को मारने में शहनवाज खान मुख्य अपराधी नहीं है, लेकिन शहनवाज केकेसी गैंग का मुख्य लीडर है, जिसकी वजह से उसको मुख्य अपराधी ठहराया जाता है। रिसेंटली शहनवाज खान ने बहुत दिनों बाद एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में शहनवाज खान खुद को किंग ऑफ उज्जैन बताते हुए नजर आ रहा है। वीडियो का छोटा सा क्लिप आप भी देखिए। इस वीडियो को शहनवाज के रियल अकाउंट से पोस्ट किया गया है, तो आप समझ सकते हो कि अब शहनवाज खान अपने आप को किंग ऑफ उज्जैन बताता है, क्योंकि आपको पता होगा जब दुर्लभ कश्यप जिंदा था तो कहीं ना कहीं उसे अपराध की दुनिया का किंग ऑफ उज्जैन कहा जाता था, लेकिन उसको मारने के बाद शहनवाज खान अपने आप को उज्जैन का किंग मानता है। हम आपको बता दें कि शहनवाज मुख्य अपराधी न होने के कारण कम वक्त के लिए उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया था, और जो दुर्लभ कश्यप हत्याकांड में मुख्य अपराधी थे वो तो अभी भी जेल में ही हैं, जो कि शहनवाज खान के साथी थे। दोस्तों, ना तो किंग ऑफ उज्जैन दुर्लभ कश्यप था और ना ही शहनवाज खान है। जो उज्जैन के राजा हैं वो बाबा महाकाल है और बाबा महाकाल ही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।